देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। वो दोस्तों आज के इस खास पेशकश में मैं आपसे सलमान खान और कटरीना कैफ के बारे में बात करने वाला हूँ। वाल इन दोनों की आजकल जब भी बात की जा रही है तो दोनों की शादी की ही चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं। जहां एक कपल फिल्म भारत में शादी कर चुका है, इस बात की खबरें हर जगह वायरल हो चुकी हैं, तो वहीं आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कटरीना कैफ का एक इंटरव्यू जो कि हाल ही में उन्होंने दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बात की है सलमान खान को लेकर, खान परिवार को लेकर और साथ ही साथ सलमान की दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता को लेकर। आज आप जानेंगे कि कैसे सलमान खान के बारे में जब कटरीना से ये सवाल पूछा गया था कि एक ट्रॉलर ने कुछ कहा था उनको लेकर, तो कटरीना ने कैसा रिस्पॉन्स दिया शादी के सवाल पर, आइए आपको दिखाते हैं। सलमान खान और साथ ही साथ कटरीना कैफ की जोड़ी इस साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्म भारत में जल्द ही नजर आने वाली है। सलमान और कटरीना बी टाउन के उन कपल्स में से हैं जिनका ब्रेकअप के बाद भी बेहतरीन रिलेशनशिप है, और अब कटरीना ने सलमान खान से शादी को लेकर एक रिएक्शन दिया है। वाल कटरीना हाल ही में एक इंटरव्यू में पहुंची थी और इस दौरान सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलर्स के कमेंट पढ़ाए गए थे। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने भारत के पोस्ट में सलमान की फोटो पर ये कमेंट किया था कि प्लीज मैम, सलमान खान आपके लिए परफेक्ट हैं, शादी कर लो प्लीज। और इस पर पहले तो कटरीना कैफ जोर जोर से हंसने लगी। कटरीना ने इसके जवाब में कहा यही मेरा रिएक्शन है। इस शो में कटरीना ने कहा कि उनकी सलमान खान की बहन अर्पिता और साथ ही साथ अलवीरा के साथ बेहद अच्छी बॉन्डिंग है, और आगे कटरीना कैफ ने ये भी बताया कि सलमान का परिवार उनके लिए उनके परिवार की तरह है। आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलावा कटरीना कैफ ने और भी बातचीत की थी। कटरीना कैफ की साल 2018 में दो बड़ी फिल्में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और साथ ही साथ जीरो रिलीज हुई थी। हालांकि शाहरुख और अमिताभ और आमिर जैसे सुपरस्टार से सजी ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरे तरीके से फ्लॉप रही थी कहीं ना कहीं, और इस पर कटरीना ने कहा मैंने जो काम किया मैं उसकी ईमानदारी से जिम्मेदारी लेती हूँ। कटरीना के मुताबिक ठग्स मेरी फिल्म नहीं थी, इस फिल्म में मेरे कुछ ही सीन्स थे। हालांकि मुझे आमिर और आदित्य के लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो इस फिल्म को लेकर काफी सीरियस थे। वाल रिपब्लिक डे के मौके पर भारत का टीजर भी रिलीज हुआ था। इसमें सलमान खान एक नेवी ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे थे, और इस फिल्म में सलमान, कटरीना के अलावा जैकी श्रॉफ, तबू, सुनील ग्रोवर, नौरा फतेही जैसे कई और सितारे हैं। और एक रिपोर्ट की मानी जाए तो ये फिल्म हिंदी भाषा के अलावा तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी रिलीज की जाएगी। इसके लिए डबिंग भी की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि सलमान खान और कटरीना आखिरी बार साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है में नजर आए थे, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में लगभग 337 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वेल, सलमान खान और कटरीना कैफ इस देश का सबसे खूबसूरत कपल है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, और इस बात में कंफर्मेशन तब मिल जाती है जब दोनों साथ में बड़े पर्दे पर नजर आते हैं और दोनों की फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है। खैर दोस्तों, आपने जाना होगा कि कैसे सलमान खान पर एक्सक्लूसिवली बात की थी कटरीना कैफ ने। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।